कैसे पाए इंद्रियों पर विजय, जैमिनी ऋषि और वेद व्यास की कहानी। भगवान व्यासदेव जी ने लिखा है कि इंद्रियां बहुत बलवान है। एक विद्वान पुरुष को भी अपनी माता, बहन या बेटी के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वह उनके प्रति आकर्षित काम दोष के कारण हो सकता है। मात्रा स्वास्थ्य दुहित्रा वा नविवेक्तास्यनुभावेत। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान संपी कर्षति। इस पर उनके शिष्य जैमिनी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, प्रभु ये बात तो समझ में नहीं आई कि शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान को भी इंद्रियां कैसे खींच सकती हैं। जैमिनी जी वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना व्यास देव जी ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बद्रीनाथ जाना है, आप तब तक इस आश्रम को संभालिए, मैं वापस आकर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जैमिनी जी अपने गुरु की लीला को समझ नहीं पाए। जैमिनी जी की परीक्षा। एक शाम जैमिनी जी गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे। उस समय हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही थी। तभी उनके गुरु एक नवकिशोरी के रूप में उनके सामने आ गए। उसके पैरों में नूपुर बंधे हुए थे। जब जैमिनी जी ने उस सुंदरी के श्याम वर्ण के चरणों को देखा तो वे मोहित हो गए। उस युवती ने उनसे कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूँ। यदि आज रात मैं आपके यहाँ रुक जाऊं तो सुबह अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगी। मैं एक स्त्री हूँ और रात में जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। जैमिनी जी ने जवाब दिया, हमारे आश्रम में केवल ब्रह्मचारी रहते हैं और अभी हमारे गुरुदेव भी नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। युवती ने कहा, मैं इस समय आपकी शरणागत हूँ और शरणागत की रक्षा करना धर्म है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। जैमिनी जी ने कहा, मैं इस आश्रम का प्रभारी हूँ और आज रात के लिए आपको एक कुटिया देता हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए और सुबह तक मत खोलिए, चाहे मैं स्वयं कहूँ तो भी नहीं। युवती इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई और उसने कुटिया के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जैमिनी जी फंसे इंद्रियों के खेल में। जैमिनी जी जब ध्यान करने बैठे तो उन्हें वही चरण और नूपुर की ध्वनि याद आने लगी। वे बार बार ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, पहले उस युवती से पूछते हैं कि वह कौन है और इस जंगल में कैसे फंसी। वे कुटिया के दरवाजे पर गए और आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। अंदर से जवाब आया, जैमिनी ऋषि ने कहा था कि चाहे वे भी कहें तो भी दरवाजा मत खोलना। जैमिनी जी ने कहा, मैं ही जैमिनी हूँ। उसने जवाब दिया, जैमिनी ऋषि ने कहा था कि यदि वे भी कहें तब भी दरवाजा नहीं खोलना। फिर जैमिनी जी ने कुटिया की छत हटाए और अंदर कूद गए। जब उन्होंने उस युवती का श्याम रूप देखा तो वे पूरी तरह से आसक्त हो गए। युवती ने मधुर आवाज में पूछा, प्रभु कैसे आगमन हुआ? उनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि पूरी तरह से उस रूप पर केंद्रित हो गईं। जैमिनी जी ने उससे कहा, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? युवती ने उत्तर दिया, आप जैसे ऋषि के लिए मेरे प्राण हाजिर हैं, लेकिन एक प्रथा है जिसे आपको निभाना होगा। आपको मंदिर तक मुंह काला करके और मुझे पीठ पर बिठा कर ले जाना होगा। जैमिनी जी के गुरुदेव आए सामने। जैमिनी जी ने सोचा, रात्रि का समय है, कोई नहीं देखेगा। उन्होंने मुंह काला किया और युवती को पीठ पर बिठा कर मंदिर की ओर चल दिए। युवती बीच बीच में उन्हें थप्पड़ मार रही थी। उन्होंने सोचा, विवाह की बात है, सहन कर लेते हैं। जब मंदिर के पास पहुंचे तो उसने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। जैमिनी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उनके गुरुदेव व्यास देव जी खड़े थे।
व्यास देव जी ने कहा, अब समझ में आया कि इंद्रियां एक विद्वान को भी कैसे गिरा सकती हैं। जैमिनी जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव। नारी नयन सर जाही न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोग पास जे ही गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, ये गुण साधनते नहीं होई, तुम्हेरी कृपा पाओ कोई कोई, कौन ऐसा है जो नारी के ननों के बाणों से बच सकता है, केवल वही जो हर किसी में प्रभु को देखता है। देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन से अमृत निकाला तो असुर अमृत लेकर भाग गए। देवताओं ने विष्णु जी से कहा, प्रभु अब यह अमृत हमें नहीं मिलेगा। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। जब असुरों ने मोहिनी का रूप देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। विष्णु जी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को एक बूंद भी नहीं मिली। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी देवता उस रूप से मोहित नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि वे स्वयं हरि ही हैं। जो हर स्त्री में पवित्र और भगवत भाव करता है उसके हृदय को किसी की भी सुंदरता और काम नहीं बे सकते। प्रेम से बोलो, जय श्री राधे कृष्णा। श्री राधा कृष्ण जी की कृपा दृष्टि से आप सभी के जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि सदैव बनी रहे। राधे राधे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।